गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष साजिद हुसैन द्वारा पद देने के एवज में पैसे मांगने का मामला सामने आया है। पद के बदले पैसे मांगने का आरोप समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष संजीव चौधरी ने लगाया है। उनका आरोप है कि मुरादनगर के नगर अध्यक्ष महबूब अंसारी ने विधानसभा अध्यक्ष का पद देने के लिए 1,00,000 रूपए की मांग सपा जिलाध्यक्ष साजिद हुसैन के कहने पर की। हालांकि मामले की शिकायत उन्होंने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से भी की है। वहीं सपा जिलाध्यक्ष ने आरोपों को निराधार बताया है कि ये वो उन बेकार लोगों में से हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए कलंक हैं। इन लोगों ने समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क किया। इनके विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए राज्यपाल त्यागी चुनाव हारे, ये उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। मेयर का चुनाव सूदन रावत ने लड़ा, उसको भी इन लोगों ने बुरी तरह से हरवाया। तरीके से मैं पैसे दे के पद लूंगा तो मेरा राजनीतिक करियर 20 साल का करियर बेकार है। मैंने जो इतनी मेहनत की है वो बेकार है। मैं 5,00,000 आबादी का 10 साल से प्रेसिडेंट हूँ। अपने जाट समाज में भी अपनी हैसियत रखता हूँ और पूरे समाज में मैंने तन मन धन से घर घर जाके समाजवादी की नीतियों को मैंने पहुँचाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने और मेरे बच्चों ने साइकिल चलाई। नोएडा से आगरा तक मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साइकिल चलाई, जिन्होंने उस साइकिल चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे धन्यवाद भी दिया था।